हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरबी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लिब्रे ऑफिस से संबंधित क्वेश्चंस। और साथ में आज आपको मैं फाइल मेन्यू पूरा एक्सप्लेन करना कोशिश करूंगा कि आप आपको पूरी फाइल मेन्यू आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको ओपन करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर केवल विंडोज़ 10 में ही इंस्टॉल होता है, बाकी किसी में आपको ये ऑप्शन ये मिलेगा नहीं, यानी आप विंडोज 7 में इंस्टॉल नहीं कर सकते। सबसे पहला क्वेश्चन यही समझ लीजिए आप कि लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, यानी किस विंडोज़ पे वर्क करता है। तो लिब्रे ऑफिस जो है आपका वो केवल विंडोज़ 10 पे वर्क करता है, बाकी किसी विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 वगैरह पे वर्क नहीं करता है। तो आप लोगों से मेरा एक कहना है कि अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करना है आपको, तो आपके पास विंडोज़ 10 होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप विंडोज़ 10 अपने में इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप लिब्रे ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल करिए ताकि आप आसानी से उसको चला सकें। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर वर्क करते हैं। सिंपल सा यहाँ पर तरीका यहाँ पर होगा, विंडो के साथ आप आर की दबाइएगा और आपको क्या लिखना है, एस राइटर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, एस राइटर आपको टाइप करना है अपने विंडो के साथ आर करके, यानी रन पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, आप एस राइटर ओपन करेंगे। एस राइटर ओपन करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खुल जाएगा, ठीक है ना। ये इस लिब्रे ऑफिस राइटर में थोड़ा जूमिंग कम करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका एस राइटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बहरहाल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा। अब सवाल ये आता है, सबसे पहला जब आपको मैं विंडो एक्सप्लेन करना बताता हूँ कि किस तरह से विंडो को एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है ना। टाइटल बार पे सबसे यानी पूछा है टॉप ऑफ द विंडो का जो नाम होता है वहाँ पर क्या शो करता है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखा होता है अनटाइटल्ड वन, ये सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि जो लोग वर्ड पढ़ चुके हैं उस वर्ड पढ़ने वालों के लिए दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सबसे पहले आपको अनटाइटल्ड वन मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अनटाइटल्ड वन। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर का नाम भी दिख रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर टाइटल मेनू में आपको दिख जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आते हैं नीचे, अब यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये मेनू बार है, मेनू बार फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फॉर्म टूल्स विंडो हेल्प, ये सारे ऑप्शन हैं। इससे ये क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं, तो इसमें आपको टोटल 11 मेनू मिलते हैं, यहाँ पे 11 मेनू आपको जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन क्या मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगला जो टूल बार है यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे है, इसमें छोटे छोटे आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टूल बार पर। और इसी तरह से नीचे अगर आप आते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिखाई दे रहा है, फिर नीचे आते हैं ये देखिए आपको रूलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और उसके नीचे यहाँ पर आपका कैनवस दिखाई जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं आप। इधर साइड में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉलर बार, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉलर बार है जिसकी वजह से हम पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इधर नीचे, और अगर पेज अगर जूम होता तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार नीचे की तरफ आपको दिखाई देता, ठीक है ना। अच्छा, सबसे नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको पेज वन ऑफ वन दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, विंडो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और सबसे नीचे हमारा टास्क बार है, जहाँ पर जो हमारा टास्क बार होता है विंडो के स्क्रीन पर आपको स्टार्ट मेनू वगैरह वहाँ पर अपीयर होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। पूछा जाता है कि जब आप किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर को या किसी भी चीज़ को राइटर या वर्ड को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे कितने टूल बार रिप्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कितने प्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो आपको दो टूल बार मिलते हैं, ठीक है ना, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। ये क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारा राइट कर लीजिएगा आप लोग, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी में भी आते हैं, यूपी पीसीएल भी आते हैं, जितने भी कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन में है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ सब में पूछे जाते हैं। चलिए अब काम करना सिखाते हैं आपको। फाइल मेनू में आते हैं और फाइल मेनू की तरफ जाते हैं। ये देखिए, फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, लगभग हर ऑप्शन में आपको मिलता है यहाँ पर न्यू में, शॉर्ट न्यू में कितने तरीके से, सबसे पहला क्वेश्चन कितने तरीके से हम नई फाइल को खोल सकते हैं। नई फाइल का मतलब क्रिएट अ न्यू फाइल, मतलब नई फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मींस अगर आपने पहले कोई फाइल बना करके रखी हुई है और अगर आप काम कर रहे हैं, किसी बंदे ने आपसे कहा कि नई फाइल आप बनाइए, तो नई फाइल मेरी आप एक बना दीजिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन का चूज़ करेंगे। ये तीन तरीके से आप कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जा करके, यहाँ पर मैं गया हूँ फाइल मेन्यू में, न्यू पर जा करके
क्लिक करता हूँ और टेस्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक नई फाइल आएगी, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर लगेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार पे, आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये आपको फाइल आइकन आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड टूल बार पे। और तीसरा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, नई फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पर ओपन का, ओपन का मतलब होता है अगर हमने कोई पुरानी फाइल हमारी सेव है उस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, इस राइटर पे ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन कर सकते हैं। तो ओपन पे जाते हैं, इसको भी ओपन करने के तीन तरीके हैं, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, फाइल मेनू में जाकर के ओपन करते हैं और जो भी हमें जो फाइल ओपन करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन कर देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो फाइल हमारी पहले से पुरानी फाइल सेव है वो फाइल हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे हम जाते हैं और स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा आइकन, यहाँ पे ओपन फोल्डर की तरह एक आइकन दिख रहा है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है शॉर्टकट की, शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस से सबसे ज़्यादा शॉर्टकट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंट्रोल प्लस ओ की मदद से भी हम यही काम कर सकते हैं, ये देखिए कंट्रोल प्लस ओ की मदद से भी डायलॉग बॉक्स वही आ रहा है ओपन का, और यहाँ से भी हम वही काम कर सकते हैं फाइल को ओपन करने का, ठीक है। तो फाइल ओपन करने का ये मैंने दो ऑप्शन आपको बताया, नई फाइल क्रिएट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया फाइल को ओपन कर सकते हैं अगर हमने कोई पुरानी फाइल सेव की हुई है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आता है ओपन रिमोट, ठीक है ना। ओपन रिमोट का क्या मतलब है, ओपन रिमोट का क्या मतलब है कि ओपन रिमोट अगर हमने कोई फाइल जो है बंद की है, या मान लीजिए अगर सपोज दैट ओपन रिमोट ओपन की तरह है लेकिन यहाँ पर अगर हमने कोई फाइल इंटरनेट पर सेव की है लाइक गूगल ड्राइव में, तो गूगल ड्राइव की अगर हमने कोई फाइल बंद की हुई है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी ओपन की हुई है तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, सेव किए होंगे तो उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा बोलने में गलती हुई है मेरी, माफ़ कीजिएगा। अगर कोई फाइल मैंने सेव की है गूगल ड्राइव में तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ओपन रिमोट के थ्रू, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये इस तरह से आपको मिलेगा, ये रिमोट फाइल का डायलॉग बॉक्स आया और ऐड सर्विस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपकी फाइल जो है गूगल ड्राइव में सेव होगी तो वो फाइल आप यहाँ से रिमोटली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ये देखिए फाइल में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या मिलता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया अगर हमने हाल ही में कोई फाइल जो है बनाई हुई है या ओपन की हुई थी वो फाइलें हमको यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, लिब्रे ऑफिस की एक खासियत ये है कि जो भी फाइल, चाहे वो वर्ड की हो, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो पावर पॉइंट की हो, चाहे वो इंप्रेस की हो, चाहे वो कैल की हो, सारी फाइलें आपको दिखाता है, यानी पीडीएफ तक की भी फाइलें जितनी भी ओपन की गई हैं यहाँ पर आपको दिखाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रही है, आप यहीं पर क्लिक करके उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। रिसेंट फाइल का मतलब हाल ही की जो भी फाइल होगी वो ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, एक और अगला ऑप्शन यहाँ पर है क्लोज। क्लोज का क्या मतलब होता है, क्लोज का यहाँ पर मतलब होता है कि करंट फाइल को, यानी जो भी करंट फाइल होगी उस फाइल को क्लोज करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट फाइल हमारी जो भी होगी वो यहाँ से आप आसानी से, बड़ी आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करने का यहाँ पे सेंस है, क्लिक करके देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फाइल क्लोज हो जाएगी। अभी ये मैंने फाइल क्लोज किया, देखिए यहाँ पर पुरानी फाइल जो फाइल इससे पहले ओपन थी वो ओपन है, यानी एक्टिव फाइल जो थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। इसको हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका यानी हम यहाँ से टाइटल बार से बंद कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है, पूछ रहा है अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यस सेव कीजिए, नहीं सेव करना था डोंट सेव पे क्लिक करके आप इसको हट सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी करंट फाइल क्या हुई, क्लोज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा विजार्ड। विजार्ड तब आता है, विजार्ड हमेशा तभी आता है जब हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे विजार्ड का क्या सेंस है, अगर आप लेटर तैयार करना चाहते हैं, फैक्स तैयार करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें तैयार करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर लेटर, तो कि लेटर यहाँ पर आपका जो विजार्ड है और जो डायलॉग बॉक्स है उसमें अंतर है। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है वो हर एक का अलग अलग तरीके से, यानी हर एक में जैसे ओपन का डायलॉग बॉक्स आया, सेव करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए बोल रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेटर अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको तीन लेटर तैयार करने के लिए दिया जा रहा है, फॉर्मल एक दिया है बिजनेस लेटर, एक दिया है फॉर्मल पर्सनल लेटर, एक है पर्सनल लेटर। देखिए बिजनेस लेटर में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस लेटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से, इस पर देखिए लोगो लग गया अपने आप यहाँ पे जैसे ही मैंने लिया। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मल बिजनेस पर्सनल लेटर किया तो देखिए लोगो हट जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बिजनेस लेटर यहाँ पे लिया,
इसको नेक्स्ट करते हैं, अगला स्टेप पूछेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप ये आपको काम बताता रहेगा। इस विजार्ड के थ्रू आप अपने पेपर को यानी जो भी लेटर है वो आप तैयार कर सकते हो। ये बोल रहा है लोगो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो प्रिंट के वक्त, तो आप लोगो नहीं चाहते तो लोगो हटा दीजिए, चेक हटा दीजिए। रिटर्न एड्रेस चाहते हो या नहीं चाहते हो हटा दीजिए। सब्जेक्ट लाइन चाहते हो कि नहीं चाहते हो, जैसे सब्जेक्ट लाइन हटा, देखो सब्जेक्ट लाइन हट गया यहाँ पर, तो आप जो चाहते हो यहाँ से हटा सकते हो, जो चाहते हो लगा सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा स्टेप यहाँ पे आपको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये इस तरह से है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और फिर अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अगला स्टेप, अगर लेटर ले लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फाइल में। अगला स्टेप है यहाँ पर टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है जो पहले से बना बनाया टेम्पलेट हो, बना बनाया मैटर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं ओपन टेम्पलेट ऑप्शन है, ये है सेव टेम्पलेट ऑप्शन है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है मैनेज टेम्पलेट। मैनेज टेम्पलेट पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो पहले से बना बनाया सैंपल, जिसको बोलते हैं सैंपल, सैंपल अगर हम यहाँ पे तैयार करा हुआ उसका यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने बायोडाटा बनाया, मॉडर्न बिजनेस है या कोई भी है, पहले से बना बनाया है, बिजनेस विद लोगो है, CV है, ये देखिए मैं क्लिक करके ओपन करके दिखाता हूँ अभी आपको ये चीज़ें। शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होती है मैनेज की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस में कि टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है, इससे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने यहाँ पर अभी बताया है और वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी चीज़ें मैं जो बताऊँगा वो आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।